का सेक्टर 6 में ही है, कार्ट है ये, यहाँ से बनी मोमोज नहीं है इसकी। एक घंटा चाल कितना हो गया, एक घंटा 20 मिनट भाई, एक घंटा 20 मिनट में तो मूर्थल पहुँच जाऊँगा मैं, वो भी जाम में। गोल गप्पे खाने लगे हैं गलत, यही है देख लो 211 फीट भाई, भूखुड़ को मिला के होगा ये पक्का। जिम के लिए उठ गया, बड़ा भी चाय पी के थोड़ी देर सोऊंगा, जो काम वर्क है नींद आ रही है थोड़ी। अब तो हद ही होगी, 7:45 जिम जा रहा हूँ, 7:45 वो इतने बजे तक तो मैं 7:30 बजे तक जिम पहुँच जाता हूँ, इतने बजे आज घर से निकल रहा हूँ। अब जल्दी जाने से फटाफट स्कूटी से जा रहा हूँ ताकि जल्दी पहुँच जाऊँ। यार ये तो अनपेयर की हो गई, लॉक खुल गया, गला खराब के चक्कर में ना सारा सीन खराब हो जाता है। अभी बैडमिंटन खेलने आए थे और हवा इतनी तेज चल रही है खेल ही नहीं पा रहे क्या, झूला झूलेगा तो वो कर अरे मैं इस पर झूलने लगा था कल, गिरते गिरते बचाऊ उसमें झूले गया हाँ। अब वॉक कर रहे हैं थोड़ी देर, एक आधे घंटे में खत्म हो गई थी, आज वर्कआउट करने का मन ही नहीं किया इतनी थकावट हो रही थी, कोल्ड हो रखा है, कल रात को मेडिसिन ली थी एक सेक्शन 500, बट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा अभी तक, और गला खराब के चक्कर में पानी पीना भी जहर लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं वॉमिटिंग आ गई अभी। अब वापस वॉक करके करते जिम, अभी 11:50 हो रहे हैं, साथ में मैं आगरा का व्लॉग एडिट कर रहा हूँ और साथ में चाय पी रहा हूँ, इसके बाद फिर मुझे एक बार चंडीगढ़ जाना है काम से। ब्रेकफास्ट का टाइम, मतलब ब्रेकफास्ट का तो एक्चुअली लंच ही हो रहा है, कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं अभी, हम अब जाके ब्रेकफास्ट हो रहा है मेरा ब्रेड जैम का, तो अभी अब 2:45 बज रहे हैं, अब बन रही है मैगी टॉप रेमन करी मैगी, हाँ थोड़ा सूपी टाइप बनाऊंगा, मम्मी बन गया बस और सूप नहीं चाहिए इतना बहुत है, बन गई मैगी और मैगी खाता हूँ उसके बाद तो चाय, आज चाय इसको से पी नहीं मैंने, थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, कोल्ड की दवाई तो ले ली है मैंने बट अभी भी कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं यार मुझे, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है कोल्ड का, क्या करा जाए कोल्ड की वजह से ना, पूरा सर दर्द, आइस पेन, नेक पेन, बॉडी पूरी ढीली पड़ गई है, फिलहाल छोड़ो मैगी टॉप रेमन करी मैगी खाओ, ये भी बढ़िया लगती है मुझे बहुत, बाकी वैसे कोरियन मैगी सबसे बेस्ट है, मैगी से तो पेट भरा नहीं। मोमो स्टीम करता हूँ, अब करूँगा आज क्या होता है पहली बार में सही निकल गया, आज अभी जो स्टीम करूँगा मोमो चिली चीज़ वाले कर लूँगा सबसे बेस्ट, बहुत खा लिए दार्जिलिंग वाले पैरी पैरी वाले, वही तो बहुत पैकेट पड़े हैं, बच्चे आ गए, ओए होए 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 क्या तरे हुए, देखो मैं मोमो स्टीम करने वाला था, पैर छुए ना अगर तेरे तो देख लियो तू, हाँ सॉरी की बच्ची, क्या हाल है, कल मामू आए थे आज है ना, अच्छा किया ना, तो आज हम बना रहे हैं वाओ मोमोस, कौन से पैरी पैरी वाले, पैरी पैरी, जब तक मोमोस स्टीम हो रहे हैं तब तक मैं लड्डू खाऊंगा, और मोमोस में स्टीम कर रहा हूँ ये वाले, वो वाले मोमोस कम पड़ गए थे तो पैरी पैरी मोमोस स्टीम कर रहा हूँ, चिली मोमोस कम पड़ गए, बंदे खाने वाले भैंस की आँख, और 10 पीस कैसे खा सकता है कोई, तो फिर 20 पीस मोमोस और स्टीम कर दिए, वॉस्टा कड़ा अभी टाइम लगेगा, अबे यार सीन ख़राब हो गया गैस ऑन करके चला गया, मोमोस ओवर स्टीम हो गए, और देखो यार सारे मोमोस ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे खिचड़ी नहीं होती, खिचड़ी मोमोस बन गए मैं इसके, क्या करूँगा अभी, इसकी जो पूरी मोमोस की वीडियो है ना वो डैड दी माँ दी यूट्यूब चैनल पे देख लेना, तो अभी फिलहाल मोमोस खाता हूँ मैं, कह रहे हलवा बन गया है, और ये मेयोनीज इसकी मोमोस की चटनी ये खाते हैं इसके साथ, डैड दी माँ दी की कार, अच्छा अभी बेटा देख अभी प्लेयर फर्स्ट आ गया तेरी बहन की टांग, चल साइड हो साइड हो, इसका हाथ मत करना, जैसे सही से हो जाते हैं ना तो हमारा हो गया, अबे ये तो चुप कर पीछे से अपनी कमेंट्री बंद कर, ओए मैं नहीं सहता, सही मैं नहीं सहता, मैं नहीं सहता,
हम मोमोज के बाद चाय पीने की कह रहा हूँ। चाय पीने की बारी आ गई, तो अभी मैंने एक नई गेम डाउनलोड करी है, रन काओ रन, देखते हैं एक बार खेल के। ये भी इससे चल रही है यार, क्या बात है, देखते हैं। ओए ओए इससे चल रही है भाई, ये देखो अब ऊपर करो। ओए गिर गई ठुग्गी। अब बटन करो। ओए ओए कूद रही है यार, क्या बात है यार। ये सही है, टीवी पे भी गेम सारी जितनी भी है ना, इसलिए सारी गेम चल रही है। ये देखो अभी ठुकेगा, डर ठुक गया। यहाँ से नीचे जाना था, अब समझ आ गया मुझे करना क्या है। ये नीचे ओए ओए स्किट मार रही है भाई साहब, स्किट मारते हुए गई है। ये कैसे उछल रही है गाय, गाय से किसी की याद आ रही है। ओए क्या जंप मारी भाई साहब, भाई ये रिमोट ले लो बढ़िया है रेड गियर का, टीवी में गेम खेलने के लिए। लेफ्ट बटन से ओए भाग रही है, लेफ्ट बटन से एक्टिवेट होगी। ओए क्या बात है भाई, बढ़िया है। नाउ लेट्स स्टार्ट प्लेइंग। ओ भाई ठुक गई फिर से, मज़ा आ रहा है यार इस गेम में भी। टीवी में गेम्स आ रही है ना, वो ये सारी डाल दी है। रैली फ्यूरी खेल ली, ये अभी खेल रहा था। एक ज़ॉम्बी एज 3, इसके लिए यही गेम पैड रिक्वायर्ड है। एक बीबी रेसिंग, ये सारी की सारी गेम पैड से चलेगी गेम, मज़ा आ रहा है। अभी खेल रहे हैं ज़ॉम्बी एज 3, सिस्टम को कनेक्ट कर दिया है। क्या बेस और क्या आवाज़ें आ रही है ना गोलियों की, इतनी ज़बरदस्त भाई, क्या ज़बरदस्त। पहाड़ गेम है भाई, चौपर में बैठ के चला गया। ये आ गई शाम की 6:30 बजे की चाय। बहुत गंदा जाम लगा हुआ है, द्वारका सेक्टर 10 जाना है, आधा घंटा जनकपुरी से। 20 मिनट हमें ऑलरेडी जाम में हो गए हैं, कितने तो क्रैश रिपोर्ट कर दिए हमने, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो देखो अभी पूरा लंबा जाम है, पूरा दिल्ली आज यहीं द्वारका में है आज, क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा रावण बन रहा है द्वारका सेक्टर 10 में। हमें मजाक से हटके भाई, सही में सही बात है, सारे द्वारका सेक्टर 10 का रावण देखने जा रहे हैं। बड़ा अभी दिखाएंगे, हाँ अभी वही देखने जा रहे हैं, द्वारका सेक्टर 10 का रावण, और द्वारका सेक्टर 10 का रावण कह रहा हूँ, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा रावण द्वारका में, द्वारका सेक्टर 10 में स्थित हो रहा है। 15 दिन से खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है हमारी मिलने की। आज पता नहीं कब पहुँचेंगे यार हम, 8 बजे घर से निकले थे, 8:30 हो गए हैं अभी, 20 मिनट और दिखा रहा है। टोटल 6 किलोमीटर का रास्ता, 50 मिनट में अगर पूरा होगा तो भाई क्या करें ज़िंदगी में। दिल्ली छोड़ दो, मैं कह रहा घर से बाहर निकलना छोड़ दो, घर के अंदर रहो, पैदल चला करो, सबसे बेस्ट है। फिर रुके, हाँ सबसे ज़्यादा ये बस वालों ने बुरा हाल कर रखा है, ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, मैं इनका डाल देता हूँ क्रैश ऑन रोड, ऑब्जेक्ट ऑन रोड बस का, हर थोड़ी दूरी पर डाल दो बस का, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स ख़राब होंगे ना तभी बस हटेंगी, इतनी सारी खाली बसें हैं इसकी, या तो बस भरी हो ना तो बात भी है, पूरी खाली बस है, देख रहे बन्नी। सही बात, अभी द्वारका सेक्टर 6 आए हैं, सोचा पहले थोड़ी डाइट की माती कर लें, भूख लग रही थी तो खा पी के फिर रावण को देखने जाएंगे। रावण को देखने तो ऐसे जाएंगे जैसे हमारा फूफा लग रहा है, या चाचा लग रहा है, या ताया लग रहा है, घर का बंदा लग रहा है हमारे, कोई गोलगप्पे खाने लगे हैं, गला ख़राब है, मन नहीं कह रहा, गोलगप्पे खा, सिटी गोलगप्पे का पानी पी, गला ठीक हो जाएगा। न्यू राजा स्वीट द्वारका सेक्टर 6 से गोलगप्पे लेने की बारी, यहाँ से गोलगप्पे खाने पड़ेंगे। गोलगप्पे तो खा लिए, गला फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो अभी यहाँ पे आए हैं क्रेविंग मोमोस, ये भी द्वारका सेक्टर 6 में ही है, कार्ट है ये, यहाँ से पनीर मोमोज दिए हैं स्कीम, देखते हैं कैसे हैं। अब भाई सवा घंटा भी नहीं, 8 बजे निकले थे, 9:20 हो रहे हैं, 1 घंटा चाल कितना हो गया, 1 घंटा 20 मिनट
भाई एक घंटा 20 मिनट में तो मूड़खर पहुंच जाऊंगा मैं, वो भी जाम में, जाम के बिना 50 मिनट पहुंच जाऊंगा। इतने में बंदा जनकपुरी से द्वारका पहुंच रहा है, 7 किलोमीटर का रास्ता, और 1.5 घंटा और होता वृंदावन पहुंच जाता। अच्छा सही कह रहा, 3 घंटे में तो वृंदावन पहुंच जाएगा बंदा। पागलपंती है, दिल्ली छोड़ो, ये वहाँ पे लगे हुए हैं रावण छोटे छोटे, दिल्ली छोड़ो, हम बड़े पे फोकस करने जा रहे हैं, दिल्ली छोड़ो ब्लॉग, हाँ दिल्ली छोड़ो ब्लॉग। अब दिल्ली छोड़नी पड़ेगी, दिल्ली से बाहर रहना पड़ेगा, हालत खराब हो गई है। अभी स्कूटी की पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली, अभी नहीं यहाँ स्कूटी आ सकती थी अंदर या नहीं देगा ना वो पुलिस। अच्छा अभी तो रोक के बैठा है वो, तभी इधर कोई स्कूटी नहीं लगी, स्कूटी की पार्किंग इतनी मुश्किल से मिली है। अब पैदल पैदल जा रहे हैं सेक्टर 10, बहुत गंदा जाम लगा हुआ है, वो देखो सामने हालत खस्ता हो जाएगी, घर से बाहर मत निकल जाना 2-3 दिन। देखो भाई मैं कह रहा हूँ, मेरे को लग रहा है पूरा इंडिया भाई देखने आया हुआ है। देखो यार मजाक सट के, इंडिया का सबसे बड़ा जो रावण लगा हुआ है 211 फीट का 15 फ्लोर का रावण, पूरा इंडिया रावण देखने आ रहा है द्वारका में। मैं तो सोच रहा जनकपुरी उत्तर नगर घासपुरी आया हुआ है भाई, ये पूरा इंडिया यहाँ पे देखने आया हुआ है रावण। लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है ना, जबरदस्त एकदम। पैदल चल के आए थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैक्स हॉस्पिटल पीछे है, कह रहे मैक्स हॉस्पिटल से भी ऊपर है उसका रावण का, दूर से नहीं लग रहा है, ये 211 फीट है, बाकी पता नहीं, पुलिस वाले तो बोल रहे हैं कह रहे होगा इतना बड़ा। नहीं भाई 200 फीट तो हो ही सकता। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, इंडिया देखने आ गया पूरा, बंदे मुंबई से टिकट करा के आ रहे हैं यहाँ पे। अब यह उसका मुकुट उकुट भी इंक्लूड कर रहे हैं तो बात अलग है, फ्रंट से देख के आते हैं रावण, ये तो बैक साइड दिख रही है एकदम, यही है देख लो 211 फीट भाई, मुकुट को मिला के होगा ये पक्का, बट मुझे लग नहीं रहा है 211 फीट का रावण है, बट काफ़ी बड़ा है। रामलीला चल रही है और रावण बेस आ रही है, बिना पास के एंट्री कर ली हमने 5 मिनट में, पुलिस वाले से बोल के रिक्वेस्ट करी, मान गया पुलिस वाला, थैंक्स टू दिल्ली पुलिस, एंट्री दे दी उन्होंने हमें, वरना पास के रहा था परंटा वेस्ट हो जाता हमारा। स्कूटी आ गई है अभी यार, स्कूटी ढूंढ रहे हैं, स्कूटी पता नहीं कहाँ लगा दी है, घूम लिया जितना घूमना था, 10 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए, जिसमें 1 घंटा 20 मिनट तो ट्रैफिक में बीत गया हमारा वेस्ट। अभी तो बहुत गंदा जाम है, ये देखो अभी भी लोग आए जा रहे हैं, जाम रुक नहीं रहा, पता नहीं कैसे जाएंगे आज गर्म। ये रही स्कूटी तो मिल गई अपनी वनीला, तो ये रही घर जस्ट अभी पहुँचाऊँ, फटाफट नहा के आया, पूरे गर्मी से पसीने आ गए थे, अब चाय पी रहा हूँ, ठंड लग रही है, अब नहा के एकदम आया हूँ ठंडे पानी से।